दोस्तों इस वीक भारत में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, एक है वन प्लस नॉर्ड 3 और दूसरा है आईक्यू न्यू 7 प्रो 5G। दोनों स्मार्टफोन सेम प्राइस रेंज में आते हैं। वन प्लस नॉर्ड 3 5G का प्राइस 34,000 रुपये से शुरू होता है, तो आईक्यू न्यू 7 प्रो 5G भी इसी प्राइस रेंज में आता है। तो अब देखना यह है कि दोनों में से आपको परफॉर्मेंस किस स्मार्टफोन में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। ये देखने के लिए हम आज की वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोन को एक दूसरे से कंपेयर करने वाले हैं और वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस में आपको फीचर्स और स्पेसिफिकेशन ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं और किस में आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो में सबसे पहले दोनों के डिज़ाइन की बात करते हैं। वन प्लस नॉर्ड 3 5G देखने में काफ़ी पतला फ़ोन है और इसके किनारे आपको फ्लैट मिलते हैं। फ़ोन का इनहैंड फील काफ़ी अच्छा है और बैक पर इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है। बैक पर इसमें आपको एक LED फ्लैश मिलती है और दूसरी इसमें आपको एक कलर सेंसर देखने को मिलता है। फ़ोन का फ्रंट भी फ्लैट है और यहाँ पर आपको बेजल्स जो हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। फ़ोन के नीचे की साइड में आपको टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल और सिम कार्ड ट्रे मिलती है। लेफ्ट में आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है और टॉप पर आपको IR ब्लास्टर, स्पीकर ग्रिल और एक माइक्रोफोन मिलता है। जिस तरह से इसके बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, उसी तरह इसके आगे की साइड में आपको ड्रैगन ट्रेल का प्रोटेक्शन मिलता है। बात करें आईक्यू न्यू 7 प्रो 5G के डिज़ाइन की, तो ये फ़ोन देखने में बड़ा लगता है लेकिन ये हैवी नहीं है। इसके बैक पैनल पर वैगन लेदर का यूज़ किया गया है जो कि इसे एक प्रीमियम लुक देता है। इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है जिसमें बेजल्स काफ़ी कम हैं और नीचे की साइड में आपको टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन और सिम कार्ड ट्रे दी गई है। वहीं राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिलता है और इसका जो फिंगरप्रिंट है वो आपको इसकी डिस्प्ले में मिलता है। दोनों का डिज़ाइन देखने में काफ़ी डिफरेंट है। वन प्लस नॉर्ड का डिज़ाइन जहां पर CE3 लाइट 5G की फील देता है, तो वहीं आईक्यू न्यू 7 प्रो 5G का डिज़ाइन आईक्यू ब्रांड की डिज़ाइन आइडेंटिटी को कैरी करता है। अब बात करते हैं इनकी डिस्प्ले की। वन प्लस नॉर्ड 3 5G में आपको 1080 पिक्सल से रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.74 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले में आपको HDR10+ और सिक्योरिटी के लिए ड्रैगन ट्रेल ग्लास का सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है जो कि 1450 निट्स की है और जो टच रिस्पॉन्स रेट है वो इसमें 240Hz का मिलता है। आईक्यू न्यू 7 प्रो 5G में आपको 6.78 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट और 300Hz के टच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करती है। डिस्प्ले में आपको 1080x2400 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिलता है और 1300 निट्स की इसमें आपको ब्राइटनेस मिलती है। साथ में HDR10 का सपोर्ट मिलता है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में भी देखने को मिलती है। डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले का साइज भी बड़ा है और ऐसे में वीडियो देखने का एक्सपीरियंस इसकी डिस्प्ले में काफ़ी शानदार रहने वाला है। अब बारी आती है चिपसेट की। वन प्लस नॉर्ड 3 5G में आपको MediaTek Dimension 9000 चिपसेट मिलता है। फ़ोन में 16GB की आपको LPDDR5X RAM और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। ये फ़ोन Android 13 बेस्ड ऑक्सीजन OS 13.1 पर चलता है। इसमें आपको 3 साल तक के मेजर अपडेट और 4 साल तक के आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस इस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। इसमें आप हाई ग्राफिक्स पर गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक यानी कि 4 या 5 घंटे तक स्मार्टफोन में गेमिंग करते हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देता है। यानी कि परफॉर्मेंस तो फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन गेमिंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन में नहीं मिलता है। हालांकि गेमिंग आप इसमें काफ़ी देर तक अच्छे से कर सकते हैं, बात है हाई ग्राफिक्स पर 4 या 5 घंटे तक गेमिंग करने की। आईक्यू न्यू 7 प्रो 5G में आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिलता है जो कि 4nm प्रोसेसर है और काफ़ी पावरफुल है। 12GB तक LPDDR5 RAM और 256GB तक UFS 3.1 इसमें आपको स्टोरेज मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग के लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा है। हाई ग्राफिक्स पर आप इस फ़ोन में काफ़ी लंबे समय तक गेमिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। जहां तक गेमिंग सपोर्ट और परफॉर्मेंस की बात है, तो आईक्यू न्यू 7 प्रो 5G में आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अगर आप ज़्यादा देर तक गेमिंग के लिए कोई भी एक फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको आईक्यू न्यू 7 प्रो 5G को ही कंसिडर करना चाहिए। कैमरा सपोर्ट की बात करें तो नॉर्ड 3 5G में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फ़ोन में 50MP का वाइड लेंस है जो कि सोनी IMX819 लेंस है और OIS सपोर्ट के साथ आता है। दूसरा 8MP का वाइड लेंस है और तीसरा जो है वो 2MP का मैक्रो लेंस है। फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें आपको 16MP का कैमरा मिलता है।
इसका कैमरा दिन की रोशनी में तो अच्छे से काम करता ही है, इसमें आपको लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी देखने को मिलती है। वीडियोग्राफी की बात करें तो इसके कैमरे से आप 4K वीडियो को 60 FPS पर शूट कर सकते हैं। ये रियर कैमरे का है, अगर आप फ्रंट कैमरे का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप 1080 पिक्सल वीडियो को 30 FPS पर शूट कर सकते हैं। IQ New 7 Pro 5G में भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फ़ोन में f1.88 अपर्चर वाला 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सैमसंग G5 सेंसर है। दूसरा, इसमें आपको f2.2 अपर्चर के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। और जो तीसरा है वो f2.2 अपर्चर के साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए इसमें आपको f2.45 अपर्चर के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। कैमरे की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, डे लाइट में इसका कैमरा अच्छे से परफॉर्म करता है। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो इसके कैमरे से आप 4K वीडियो को 60 FPS पर शूट कर सकते हैं। बात करें बैटरी की तो OnePlus Nord 3 5G में आपको 5000 mAh की बैटरी और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। IQ New 7 Pro 5G में आपको 120 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग के लिए इसमें आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है। अब बारी आती है कि दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। सीधे सीधे आपको IQ New 7 Pro 5G को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 30,000 से ज़्यादा रुपए किसी फ़ोन पर खर्च कर रहे हैं तो फ़ोन में आपको अच्छा खासा गेमिंग सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि आपको IQ New 7 Pro 5G में देखने को मिलता है। और OnePlus Nord 3 5G में आपको उतना अच्छा गेमिंग सपोर्ट नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना